अब मैं ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कोई कामयाब बिजनेसमैन जो होता है वो अच्छा मटेरियल, अच्छा माल अपने खाते में बचा के रखता है कि कब बुरा वक्त आ जाए तो उनका इस्तेमाल किया जाए। अब हम अपने देखिए कि अगर मैं कामयाब बिजनेसमैन हूं तो एक नाम का सहारा लेता हूं। दावा मेरा है कि पीछे तक के लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुदरत ने उनको ऐसी आवाज से नवाजा है कि यकीन जानिए मेरे दोस्तों के 12,000 वोल्टेज सिर्फ यहां मौजूद है। उसको ठंडी के मौसम में भी कुदरती तौर पर वो बर्फ खा भी ले तो अच्छे अच्छे शायर घर में बैठ जाएंगे, लेकिन वो बर्फ खाने के बाद और अच्छा पढ़ लेता है। इस ये नाम है मेरे दोस्तों अली जनाब शमशेर जहाना गंजवी का, आजमगढ़ का छोटा सा एक कस्बा जहाना गंज मेरे दोस्तों हमारे बीच मौजूद है, लेकिन आपके दरमियान आएंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि अच्छे अंदाज में सुनेंगे। हमारे तमाम मेहमान ने एजाम तशरीफ ले आए हैं, तमाम लोग तशरीफ ले आए हैं। मुझे याद आता है एक बात मैं बताऊं, एक एक ट्रेन के अंदर तीन आदमी सफर कर रहे थे, तीनों सूबे से ताल्लुक रखते थे। उसमें एक बंगाल का था, एक बिहार का था और एक नेपाल का था। इस तरह से तीनों आदमी सफर कर रहे थे, तीनों आपस में तस्करा कर रहे थे कि मेरे नवाबी का ये आलम है। हमारे नेपाल वाले भाई उठे और 500 का नोट अपने जेब से निकाला और उसने बीड़ी बना के धुकना शुरू कर दिया। कहा कि देखो मेरी नवाबी का ये आलम है कि 500 के नोट को मैंने एक लम्हे में जला कर खाकिस्तर कर दिया। हमारे यूपी वाले भाई भी एक बैठे थे, उन्होंने निकाला 2,000 का नोट, नहीं आओ देखा ना ताओ, और बना लिया बीड़ी, धोकना शुरू कर दिया हवा में उड़ाना। कहा मेरे नवाबी का ये आलम है कि मैंने 2,000 के नोट को एक लम्हे में जला दिया। वहां पे एक बहादुरों की धरती बिहार का रहने वाला और वो भी पैतेपुर का रहने वाला माशाल्लाह, वो हमारे अनूठे मुखिया जी बैठे थे, ये दोनों देखने लगे कि अच्छा 2,000 के अगवा तो नोट में नहीं है, करेगा तो क्या करेगा। हमारे अनूठे मुखिया बड़े सादगी के साथ देखने में भोले भाले लगते हैं, उठते हैं, सूटकेस निकालते हैं, सूटकेस से एक चेकबुक निकालते हैं, उस पर लिखते हैं 50 लाख और धुकना शुरू कर देते हैं। ये वो कन्वीनर है मेरे दोस्तों। आइए, मैं ये चाहता हूं कन्वीनर मुशायरा के हवाले और इस मुशायरे की जान तिश्नगी आपके बुझाने के लिए, इस मुशायरे की जिंदगी के लिए एक नाम का सहारा लेता हूं और आली जनाब शमशेर जहाना गंजवी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी बेहतरीन गजलों से, गीतों से, नज्मों से हम तमाम सामाईन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आजमगढ़ का वो शायर जनाब शमशेर जहाना गंजवी आजमगढ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाजरीन, पहली बार आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिरी, बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का हुक्म मैं यहाँ हाजिर आया। आइए बिना किसी तमहीद के चार मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी समातों तक पहुँचता हूँ। डाइस पे दीगर शोरा इकराम और शायरात तशरीफ रखती हैं, मतलब पढ़ता हूँ, अगर पसंद आ जाएगा तो मुजाहिद भाई थोड़ा सा आप जी हम थोड़ा किसी को नहीं करते, करते तो पूरा करते हैं जी, बस पढ़ता हूँ समाप्त कर ले। कि वो अगर बेनकाब हो जाए, हाय 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 क्या बात है, पढ़ता हूँ, थोड़ी सी दुआएं दे दीजिएगा जी। कि वो अगर बेनकाब हो जाए, मौसम अच्छा खराब हो जाए, वो अगर बेनकाब हो जाए, मौसम अच्छा खराब हो जाए, मौसम अच्छा खराब हो जाए, वो अगर पाँव रख दे पानी, वो अगर पाँव रख दे पानी में, वो अगर पाँव रख दे पानी में, सारा पानी शराब हो जाए। आज यहाँ से एक मतलब एक याद आया, एक शेर मुझे, जब पानी शराब हो गया तो मुझे याद आया कि मैं राधिका मित्तल साहिबा पीछे बैठी थी, ये शेर उनके नजर करते हुए कि तिश्नगी आपे आप हो जाए,
تشنگی آب آب ہو جائے قطرہ قطرہ گلاب ہو جائے تم مسکرا کے جام بھرو تو صحیح سادہ پانی شراب ہو جائے کیا بات ہے مجاہد بھائی پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت کر لیں کہ خود ہو جائے گائنا کیا بات ہے جھوٹا ہے الزام تیرا تھوڑی سی دعائیں میرے بھی دامن میں ڈال دیجئے گا پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں کہ خود ہو جائے گائنا جھوٹا ہے دیگر شعراء کرام شنکر جی جی عطا توڑ کے میرے توڑ کے میرے تو اس دل کو مجھ سے اتنی دور نہ جا آئے آئے اگر اچھا لگے گا تو تالیاں بجا دیجیے گا پڑھتا ہوں سماعت کر لیں کہ توڑ کے میرے تو اس دل کو مجھ سے پڑھتا ہوں کبھی آپ نے کرناٹک کی زمین پہ وہ چار مصرے پڑھوائے تھے دوستو لوگ عشق میں جو ہے جان دے دیتے ہیں پھانسی لگا لیتے ہیں آتم ہتیا کر لیتے ہیں ان کے حوالے چار مصرے پڑھتا ہوں نوجوانوں کا مجمع ہے اگر پسند آ جائے تو تالیاں بجا دیجیے گا پڑھتا ہوں سماعت کر لے کہ مجنوں بن گئے پتھر کھاؤ ایسے بھی حالات نہیں اگر پسند آ جائے تو تالیاں بجا دیجیے گا کہ مجنوں بن گئے پتھر کھاؤ ایسے بھی حالات نہیں ایک ذرا ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں آپ تک پہنچاتا ہوں بہت ہی اچھے سامعین ہیں آپ تک پہنچاتا ہوں اگر لگے کہ میں نے صحیح بات کہی ہے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا پڑھتا ہوں سماعت کس سر پر ٹوپی ہاتھ میں تسبیح اور زبان سے کہتے کہتے ہیں سر پر ٹوپی ہاتھ میں تسبیح اور زبان سے کہتے ہیں سر پر ٹوپی ہاتھ میں تسبیح
बूढ़ी माँ का बोझ उठाना मेरे बदले भाई आप सुनना चाहते हैं तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अरे वो क्यों पढ़ो हाँ 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 हाजरी अब आइए यहाँ से कुछ आपके दिलों की तर्जुमानी करता है। दोस्तों इनके पास वो गजलें और गीतें हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप अपना कपड़ा फाड़ने में पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप शर्त यह है कि थोड़ा सा सुने लेकिन तालियों के साथ सुने, खामोशी से न सुने। देखिए समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय हाय, कुछ कीजिए ताकि लगता रहे कि आप लोग जिंदा हैं, ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ फातिहा पढ़ रहा हूँ। आओ समझ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ एक गीत का हुक्म हुआ है, पढ़ता हूँ बतौर खास समाज वाले। सोनी को महिवाले बुलाए चैन कहीं ना पाए, अब इसमें भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, एक बार पूरा मजमा बजा के बताएं। सोनी को महिवाले बुलाए चैन कहीं ना पाए, शीरी को फरहाद बुलाए दौड़ी दौड़ी आए, सोनी को महिवाले बुलाए चैन कहीं ना पाए, शीरी को फरहाद बुलाए दौड़ी पहुंचाता हूं। बहुत प्यारा बंध है बतौर खास समाज फरमा ले कि मैं गंगा की धारा हूं तू जमुना का पानी, मैं गंगा की धारा हूं तू जमुना का पानी, तेरी अदाएं मस्त खटा है मेरी अदा नासानी, तेरी अदाएं मस्त खटा है मेरी अदा नासानी, मैं गंगा की धारा मैं जमुना की तू जमुना की धारा है, मैं गंगा का पानी तेरी अदाएं मस्त खटा है मेरी अदा नासानी, तेरा मेरा होगा संगम दुनिया के कितनो पुल बनवाए, ये है शमशेर जहाना गंजवी। लैला लैला बहुत बहुत शुक्रिया हाजरी, लगातार 19 तारीख से प्रोग्राम में हूँ, आवाज जो है थोड़ा सा बैठी हुई है, खैर आपकी मोहब्बतें एक शेर मक्ता हाजिर करता हूँ बतौर हाँ, कि हो महलों की रानी वो या हो जंगल वाली, हो महलों की रानी वो या हो जंगल वाली, शमशीर का दिल जिस पर आ जाए क्या गोरी क्या काली, अरे बाबा हो क्या हो क्या हो जंगल वाली, हो महलों की रानी वो या हो जंगल वाली, शमशीर का दिल जिस पर आ जाए क्या गोरी क्या काली, सारी दुनिया को वो भूल गए, सारी दुनिया को वो भूल कर अपनी धुन में गाए, लैला लैला
दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया था आपको, और एक बात याद रखिएगा कि मैं ऐरे ऐरे चीज पे जल्दी कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ पांव से एक थोड़ा सा झुक के चलता हूँ, माजूर नीचे से उस जहन से नहीं, पूरा हिंदुस्तान का प्रभाव चलाता हूँ मैं। जिसमें कहता हूँ कि इनमें क्वालिटी है तो मान लिया कीजिएगा थोड़ा सा इंशाअल्लाह। आइए, मैं ये चाहता हूँ कि शमशेर जहां नकवी को जो है शौल और आका हाफिज तौकीर साहब महुआ पेश कर रहे हैं, मैं शमशेर भाई से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं, अब उसके बाद इंशाअल्लाह गीत गजल सुनेंगे। थोड़ा सा आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी बड़ी आपा चांदनी शबनम साहिबा भी कर रही है कि हाथ मार के बैठेंगे तो गजल सुनने में मजा थोड़ा आ रहा है, आप वहां से जुमले पास कर रहे हैं लेकिन ताली मारे थोड़ा सुने अच्छे अंदाज में, फिर शायर का मूड बनता है। लिहाजा आप ख्याल करें कि पीछे से भी और आगे से भी, दाएं से बाएं से, हर तरफ बल्कि स्टेज के लोग से भी मेरी तवज्जो है कि थोड़ा सा बेदारी का सुबह माइक पर इस्तेमाल करें, जोरदार तालियों के साथ शमशेर जहां लगाएं। हज़रीन ये हुई हुई जियो जियो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मुजाहिद भाई कि आपने इतने अच्छे सामयिक से मुलाकात कराई। कसम खुदा की मैं पहले यहाँ आया थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि जब जब कभी कोई पहली बार जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है। आपकी मोहब्बत के सराफों पर चार किसरे पढ़ता हूँ, अगर पसंद आ जाए तो इंशाल्लाह एक गीत कम कर और पेश करूंगा, और ऐसी गीत पढ़ूंगा इंशाल्लाह आप कपड़े फाड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या बात है कि कोई मजनू कोई फरहान नहीं हो सकता। अरे अपने दादी के तालियां, नहीं मैं पढ़ता हूँ सुन कि कोई मजनू कोई फरहान नहीं हो सकता, कोई मजनू कोई फरहान नहीं हो सकता, इश्क में अब कोई बीमार नहीं हो सकता, कोई मजनू कोई फरहान नहीं हो सकता, इश्क में अब कोई बीमार नहीं हो सकता, किसी शेर की औलाद नहीं हो सकता। क्या शेर पढ़ दिया भाई, जिंदाबाद। अरे वाह, ये है शमशेर जहाना गंजवी। तू किसी शेर की औलाद नहीं हो सकता। उनके हवाले से जो थोड़ा सा इश्क विश्क के चक्कर में बैठे हुए, उनके हवाले से थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ। शमशेर भाई, इश्क तो सब करते हैं, मोहब्बत सब करते हैं, या तो फिर ये रहा हो इश्क, या वो लोग नहीं करते हैं, या तो बीमार रहा होगा या नहीं तो मौका नहीं मिला, वरना तो सब करते हैं जी। पढ़ता हूँ मतलब खास समाज फरमा ले कि जो चाहे सितम करना, जो इश्क में आशिक जो है ये अपनी माशूका की हर बात मानता है, उसकी इल्तिजा पेश कर रहा हूँ लहजा कर रहा कि जो चाहे सितम करना, जो चाहे सजा देना, जो चाहे सितम करना, जो चाहे सजा देना, नजरों से मगर, नजरों से मगर अपनी मुझको न गिरा देना, नजरों से मगर अपनी मुझको न गिरा देना। मुजाहिद भाई, ये शेर नई नस्लों के हवाले पर और एक खास समाज फरमाने की मासूम मोहब्बत की, मासूम तमन्ना है, मुझे पता है जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ वहां तक आप पहुंच गए होंगे। पढ़ता हूँ मुलाजा करें कि मासूम मोहब्बत की मासूम तमन्ना है, मासूम मोहब्बत की मासूम तमन्ना है, बीमारी मोहब्बत को, बीमारी मोहब्बत को
کی ہوا دینا بیماری محبت کو آنچل کی ہوا دینا بیماری محبت کو آنچل کی ہوا دینا گیت کا ایک مہرا اور ایک بند پیش کرتا ہوں اس کے بعد زحمتیں تمام پڑھتا ہوں مجاہد بھائی سمائے عطا کرے بھائی شمشے آجا رے آجا میری جانے بہار اچھا لگا ایک بار پورا مجمع بجا لے تالی اس وقت کرے آجا رے آجا میری جانے بہار تیرے لیے ہے میرا دل بے قرار آجا رے آجا میری جانے بہار تیرے لیے ہے میرا دل بے قرار آجا رے آجا میری جانے بہار تیرے لیے ہے میرا دل بے قرار چھائی ہے سر پہ میرے چھائی ہے مستی سر پہ میرے تیرے بن کیا کروں میں جا تیرے پہ ہاتھ کیا بات ہے میری جان تیرے لیے ہے میرا دل بے قرار بند پیش کرتا ہوں بطور خاص راجا کرے کپتان گنج سے لال گنج ویرداج محلے جاؤ سماعت کرے حضرات کپتان گنج سے لال یہ علاقہ ہمارے یوپی پر میں پڑھتا ہوں سماعت کر لے کہ کپتان گنج سے لال گنج ویرداج محلے جاؤ نینی تال لے جا کے تجھ کو تھنڈی سیر کر